Good morning, students. I'm Priyanka from the Wisdom School, Sirsa. How are you, students? I hope you all are fine. So, students, class 5th subject Hindi. आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3, शूल पानी. जो हमारा पार्ट का नाम है वो है शूल पानी. देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 इसका नाम है शूल पानी. इसमें देखिए कुछ दो बातें पूछी हुई है. देखिए क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. भगवान महावीर का संबंध किस धर्म से था? जो महावीर, भगवान महावीर थे, उनका जो धर्म, कौन से धर्म से संबंध था? उनका संबंध था जैन धर्म से. जो जैन धर्म है उससे उनका संबंध था. आगे देखिए, दूसरे की सहायता करके आपको कैसा लगता है? दूसरे की सहायता करके बहुत अच्छा लगता है. हमारे मन को शांति मिलती है, हमारी अंतरात्मा खुश होती है कि हमने कैसे एक दूसरे की सहायता की है. अपने आप को एक सुख मिलता है और खुशी मिलती है कि हमने सहायता की है. आगे देखिए, यह प्राचीन कहानी सेवा, करुणा, धैर्य, अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना को जीवन का मूल मंत्र समझने वाले महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है. किसके जीवन पर आधारित है स्टूडेंट? महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है. अपने ही पालतू सर्प के दंश से मृत्युशया पर पड़े क्रूर और निर्दयी शूल पानी का जीवन दान देकर महावीर स्वामी उसे जीवन की धारा बदलने का एक मौका देते हैं. अब देखिए, अपने ही पालतू सर्प, जो उनका पालतू सांप होता है, उनके जो डंक से मृत्युशया पर पड़े क्रूर और निर्दयी शूल पानी को जीवन दान देकर महावीर स्वामी उसे जीवन की धारा बदलने का एक मौका देते हैं. नर पिशाच शूल पानी महावीर स्वामी के संपर्क में आकर सज्जन बन जाता है. नर पिशाच स्टूडेंट्स वो होता है जो मानव को खाता है, वो होते हैं नर पिशाच. शूल पानी महावीर स्वामी के संपर्क में आकर, अब देखिए, महावीर स्वामी के संपर्क में आकर वह सज्जन बन जाता है. उसके जीने की दिशा जो है वो बदल जाती है. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नर पिशाच होता है उनके महावीर स्वामी के संपर्क में आकर कैसे वो सज्जन बनता है और कैसे उनकी जीने की दिशा बदलती है, तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, हम इस पाठ को पढ़ते हैं और हमें पता चलेगा कि कैसे उसके जीवन की जीने की दिशा जो है बदली है. अब देखिए, शाम ढलने लगी थी, भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुंचे. अब देखिए भगवान महावीर विहार करते हुए, विहार होता है स्टूडेंट्स घूमते घूमते, आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य मीन्स आश्रम में पहुंचे. ग्रामवासी भोजन करके, विश्राम करके जा रहे थे, तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन मीन्स आने का समाचार मिला. पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा. भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूल पानी नामक एक क्रूर नर पिशाच रहता था. क्रूर होता है नर पिशाच, वो जो मतलब, देखिए, क्रूर नर पिशाच, क्रूर जो होता है वो निर्दयी होता है. जो नर पिशाच होता है वो होता है मानव का मांस खाने वाला, मींस नीच व्यक्ति. वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था, इसी कारण उसका नाम शूल पानी था. अब देखिए किस प्रकार, ये देखिए, शूल पानी नामक एक क्रूर नर पिशाच रहता था. देखिए, क्रूर जो होता है निर्दयी होता है, नर पिशाच जो होता है एक नीच व्यक्ति होता है. वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था और उसी कारण उसका नाम जो है शूल पानी पड़ गया था. इसके बाद कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था जिसके काटने से कोई जीवित नहीं बचता था. चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था. उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी, सामने रमणीक उपवन था. रमणीक होता है मन भावन उपवन था. उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते रहते थे. उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था.
भगवान महावीर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और गांव वाले एक दूसरे एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव एकत्रित हो गया, एकत्रित मीन्स इकट्ठा हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया, मीन्स उन्हें उपदेश दिया कि गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक नर पिशाच रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता या इधर से गुजरता है, वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अहित होता है स्टूडेंट्स बुरा, अहित होता है बुरा, मतलब वो मेरा बुरा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूल पानी बाहर से लौटा, उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूल पानी ने कौशिक नाग से कहा, नाग था सांप, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। कौशिक फुंकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक, जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया, मीन्स मोहित हो गया। वह जहाँ का तहां रुक गया। शूल पानी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे, मीन्स विश्वासघाती निकलोगे। अब मैं सवेरे इसका वध कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम ये जो लेसन है, हम आज इसे यहीं तकरीर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए शूल पाणी कौन था, जो मतलब हमें पता चला है कि महावीर स्वामी कैसे गांव में बैठे हैं। तो हमने ये सारा इस लेसन में रीड किया है। तो आज हम स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे। जो ये हमारे शब्दार्थ आए हैं, कुछ शब्दार्थ आए हैं, ये आपने इसे नोटबुक पर राइट करना है और इस लेसन को हम कल कंप्लीट करेंगे। देखिए ये विहार, आगमन, नर पिशाच, एकत्रित, आग्रह, नाग, ये जो हमारे कुछ शब्दार्थ आए हैं, चैत्य, कूर, भ्रमणी, धर्मोपदेश, न्याय, बस यहाँ तक आया है। तो आपने ये स्टूडेंट्स इसके जो शब्दार्थ हैं ये लर्न करने हैं और आपने रिवाइज करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इनके बस ये शब्दार्थ और ये श्रुत लेख आपने इसके करने हैं। एक ये हमारा मुहावरा दिया हुआ है, आपके लाल होना मीन्स क्रोधित होना। तो आपने ये श्रुतलेख और ये कुछ शब्दार्थ हैं ये दिए हुए, ये आपने करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।